नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कैमला गांव से, जहां पर कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहां पर पहुंचने वाले हैं और किसान महापंचायत जो है वो यहां पर होने वाली है, जिसकी तैयारियां आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि वो शुरू हो चुकी है। स्टेज जो है वो बन चुका है, सिक्योरिटी हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, सभी चीजों का यहाँ पर ध्यान जरूर दिया जा रहा है। हालांकि किसान जो है वो लगातार इस किसान महापंचायत का विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया, तैयारियां यहां पर किसान महापंचायत की शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ यहां पर घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण जी भी मौजूद हैं, एक बार हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल भी जिस तरीके की तस्वीरें हम लोगों ने देखी, किसानों द्वारा जो है विरोध किया गया कि ये किसान महापंचायत ना हो, लेकिन आज भी पूरे तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, कल रविवार को यहाँ पर एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा कैमला गांव में, जो कि गरोंडा विधानसभा का एक गांव है, और उसमें मुख्य रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसमें शिरकत करेंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गरोंडा विधानसभा को बहुत सी सौगातें भी देंगे, क्योंकि जो कार्य पिछले टर्म में जो चले हुए हैं उनके उद्घाटन हैं या शिलान्यास कुछ कार्यक्रमों के हैं, ऐसे 30 करोड़ रुपये के, वो भी देंगे। और मुख्य रूप से जो विषय यहाँ पर रहेगा वो किसान महापंचायत में जो 3 कृषि कानून हैं उसके ऊपर एक संवाद, एक चर्चा होगी, जिस पर मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखेंगे। दूसरे जो सीनियर लीडर आएंगे, चाहे वो धनखड़ जी हैं, चाहे कंवरपाल जी हैं, वो सभी अपनी बात को रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो 3 कृषि कानून हैं, जो कि 20 साल की लंबी मशक्क़त के बाद ये 3 कृषि कानून बने हैं, चाहे उसके अंदर वाजपेयी जी की सरकार रही हो जब इसके ऊपर कार्य शुरू हुआ था, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो डॉक्टर मनमोहन जी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय भी इन कानूनों को बनाने की दिशा में बहुत सा कार्य उस कांग्रेस सरकार के दौरान भी हुआ था, और उसके बाद मोदी जी की सरकार बनी है तो उसमें भी बहुत से काम आगे इस दिशा में बढ़े हैं, और आखिर में ये कृषि कानून 3 बने हैं। और ये 3 कृषि कानून इस कारण से भी ऐतिहासिक है कि लंबे समय तक एक ही दिशा में सभी सरकारों ने, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, सभी कृषि विशेषज्ञों ने, कितने ही मुख्यमंत्रियों की के समूहों की बैठकें हुई, कितने ही जो राज्यों के कृषि मंत्री हैं उनकी बैठकें हुई, उनकी कमेटियों का गठन हुआ, और साथ साथ जो स्वामीनाथन आयोग उसके अंदर भी इस तरह की बात उन्होंने भी ये सिफारिश की हुई है कि जब तक कृषि उत्पाद के बेचने के लिए ज़्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे तब तक किसान को उचित दाम नहीं मिलेगा। तो ये एक नया विकल्प इन 3 कृषि कानूनों ने दिया है। पहला विकल्प जो है मंडी का, वो उसी तरीके से रहेगा, MSP उसी तरीके से रहेगा, फिर भी अगर कोई किसान FPO बनाकर, अपने समूह बनाकर एक नए तरह से खेती करके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अन्य किसी भी तरीके से वो सीधे अपने उत्पाद को कहीं बेचना चाहता है, तो उसको ये आज़ादी इस कानून के बनने से मिली है। तो मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक कानून है। इसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ जरूर फैली हैं, बहुत से लोगों को इन कृषि कानूनों के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण वो भ्रमित हुए, और उसके अंदर एक गैर जिम्मेवाराना जो एक हरकत जो विपक्षी दलों ने, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को लिखा था कि जब वो सरकार अगर उनकी बनती है तो कृषि सुधारों से संबंधित जो कानून है उनको बनाया जाएगा, और आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से यू टर्न लेकर लोगों को भड़काने का काम कर रही है, मैं समझता हूँ ये गैर जिम्मेवाराना ही नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है और पाप भी है, क्योंकि इन्हीं कृषि कानूनों के चलते आने वाले समय में किसानों की तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं, और यही बात किसानों के मसीहा कहे जाने वाले सर छोटू राम भी कहा करते थे कि जब तक किसान अपनी जिन्स का भाव खुद तय करने की स्थिति में नहीं होगा, किसान का भला नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े हमारे किसान नेता रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने भी समय समय पर इस ये बातें कही हैं। तो आज जब ये कृषि कानून बने हैं, मैं तो यही अपील करूंगा सभी लोगों से कि इन कृषि कानूनों को समझने की कोशिश करें और इसकी पूरी जानकारी लें कि किस तरीके से ये कानून
किसानों के हक में है। सरकार ने पूरे तरीके से एक सुरक्षा इन कानूनों में किसानों को दी। लेकिन लगातार किसान जो हैं इस महापंचायत का विरोध कर रहे हैं और उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि वो किसी भी हाल में इस महापंचायत को नहीं होने देंगे। और फिलहाल अगर हम आज की भी बात करें, बस्तारा टोल पर कैमला गांव से जो लोग हैं, जो यूथ है, युवा है, वो भी काफी बड़ी संख्या में बस्तारा टोल पहुंचे हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो है ये पूरी महापंचायत होने वाली है, क्योंकि काफी लोग विरोध में भी जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसके बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। बहुत दिनों से धरने पर जो बैठे हैं वो भी हमारे किसान भाई हैं, यहाँ जो आयोजन कर रहे हैं वो भी हमारे किसान भाई हैं, जो यहाँ सुनने के लिए आएंगे वो भी किसान भाई हैं, और जहाँ तक जो धरने पर बैठे हुए हैं वहाँ पर किसानों की संगठनों की सरकार के साथ निरंतर बातचीत चली हुई है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शुरू में डिमांड किसानों की तरफ से, संगठनों की तरफ से आई थी, सभी के लिए सरकार ने हाँ भी की है और सभी को लिखित में आश्वासन और लिखित में वो देने के लिए भी सरकार ने हाँ भरी है। और उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को पिछले दिनों में कहा है कि फिर भी अगर तीनों कृषि कानूनों में किसी भी क्लॉज में किसी को कोई आपत्ति लगती हो, किसी भी कृषि कानून के किसी भी क्लॉज में किसी को लगता है कि ये किसानों के हित में नहीं है, तो खुले मन से आगे आएं, संशोधन के लिए सरकार तैयार है, समाधान भी बताएं, किसी भी विशेषज्ञों को भी साथ बिठा सकते हैं, सभी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी बिठाया जा सकता है, मगर खुले मन से वार्ता होकर उसका हल हो सकता है। और मुझे उम्मीद है कि अगली जो भी वार्ता है, काफी नजदीक बातें आई हुई हैं, जल्दी इसका हल भी होगा। जैसा कि आपने भी कहा कि सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान एक ही बात पर फिलहाल डटे हुए हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। 9 दौर तक की बैठकें जो है हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा निर्णय जो है नहीं निकल कर आ पाया है। तो इस बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे या किसानों से क्या एक अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों को ही जो है एक जगह पर आकर समझौता करना होगा, क्योंकि संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है लेकिन किसान चाह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। तो क्या कुछ एक किसानों के नाम मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पूरे भारत देश में अगर आप देखेंगे तो किसानों की आबादी बहुत बड़ी आबादी है, और पूरे देश के किसानों के लिए, हर एक किसान के लिए ये जो कृषि कानून है ये फायदेमंद है, ऐतिहासिक है। और इसके साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो कानून बनते हैं वो समय समय पर पार्लियामेंट में पूरे संवैधानिक प्रक्रिया से गुजर कर वो कानून बनते हैं, और जब भी कानून बनते हैं तो जब व्यवहारिक रूप से उस पर कोई कठिनाई आती है तो कानूनों के अंदर संशोधन भी होता है। आज जो ये कृषि कानून बने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुले मन से सबको ये आमंत्रित भी किया है कि किसी को भी किसी ऐसे कानून के किसी क्लॉज में अगर कोई आपत्ति लगती है तो उस पर संशोधन के लिए सरकार तैयार है। और जब सरकार खुले मन से ये बात कर रही है तो हमें ये भी समझना चाहिए कि कभी भी किसी का समस्या का हल, चाहे समस्या छोटी है चाहे समस्या बड़ी है, वो बातचीत से ही उसका हल होता है। सर, अंत में एक और सवाल। अभी हम लोग जब बस्तारा टोल से कवरेज कर आ रहे थे तो वहाँ पर एक किसान नेता मौजूद थे जिनके द्वारा ये भी कहा गया कि पहले तो वो मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आने ही नहीं देंगे क्योंकि किसान जो है चारों तरफ से उन्हें घेर लेंगे, और उनका ये कहना था कि अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ भी जाते हैं तो स्टेज का घेराव जो है किसान यहाँ पर आकर करेंगे और उन्हें किसानों को या आम जनता जो कि यहाँ पर कल पहुँचने वाली है उन्हें संबोधित नहीं करने दिया जाएगा। तो क्या कुछ आप उसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, इस कृषि महापंचायत के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है, पूरे इलाके के लोगों में बहुत उत्साह है, और ये एक बहुत अभूतपूर्व, बहुत अच्छा ये कार्यक्रम होगा जिसके अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस विषय को, इस गंभीर विषय को रखेंगे। और निश्चित रूप से जब मनोहर लाल जी इस विषय को रखेंगे, अन्य नेता इस विषय को रखेंगे, तो लोगों को वो बात समझ में आएगी कि सच्चाई क्या है और किस तरीके से कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण, राजनीतिक स्वार्थ के कारण या अन्य स्वार्थ के कारण जो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो सारी भ्रांतियाँ दूर होंगी। और मैं समझता हूँ कि इलाके के सभी लोगों में, किसानों में बहुत उत्साह है। मैं तो सभी से अपील करूँगा कि वो आपसी जो सामाजिक भाईचारा है, ये ढांचा इस तरीके का, इसको खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब मिलकर ये समाज बनता है और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जो वहाँ पर बैठे हैं वो अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई व्यवधान कोई डालता नहीं। अगर यहाँ पर संवाद होता है, इसमें भी किसी को व्यवधान डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये आपने देखा, घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि कल जो महापंचायत होने वाली है यहाँ पर अवश्य होगी। भाजपा के कुछ और कार्यकर्ता
कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे किसान महापंचायत के बारे में, किस तरीके से तैयारियां जो है यहाँ पर चल रही हैं और क्या कुछ जानकारी? देखिए, आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से इस किसान महापंचायत की तैयारियाँ हमारे यहाँ के बड़े लोकप्रिय विधायक हरविंदर कल्याण जी के नेतृत्व में चल रही है और यहाँ के जो लोग हैं विशेष तौर पर कैमला गांव के, वो पूरी गर्मजोशी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और आप देख सकते हैं आज भी कोई रैली से कम यहाँ भीड़ नहीं है। आज आप देखने को लग रहा है कि वाकई यहाँ पे कोई जैसे आयोजन, एक भव्य आयोजन होगा। और जो पिछले कई महीनों से ये किसान आंदोलन की बात चल रही है, लगभग वो 45-50 दिन से जो किसान भाई दिल्ली के अंदर दिल्ली बॉर्डर पर मोर्चा संभाले बैठे हैं, मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो कृपया इस जो कानून है इसको ठीक से पढ़ें और परमपिता परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे कि वो एक अच्छी सोच के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कभी किसी का बुरा ही नहीं सोच सकते, किसी भी समाज का, किसी भी व्यापारी का, कर्मचारी का, किसी का भी आज तक उन्होंने हमेशा ही भलाई के ही कानून बनाए हैं, तो किसानों के लिए तो वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा देश 80% किसानों का देश है। और जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता विधायक जी ने कहा, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। जब उनको कहीं भी नहीं रोका जा रहा है, चाहे वो बस्ताड़ा टोल पे बैठे हों, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हों, कहीं और अपनी बात रख रहे हों, तो यदि भारतीय जनता पार्टी या सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी जब किसानों के बीच में आकर किसानों के साथ ये जो बिल की चर्चा है विस्तार रूप से करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको भी इस कार्य में किसी प्रकार की कोई विघ्न और बाधा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि एक हमारा देश प्रजातंत्र देश है और इसमें हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो हम भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ लोगों से सीधा संवाद करने के लिए कल आ रहे हैं। तो ये आपने देखा, हमारे साथ यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिला अध्यक्ष हो या घरुंडा से विधायक रविंद्र कल्याण, और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि जहाँ सभी को अपनी बात रखने का जो है हक है, और अगर किसानों की बात की जाए जो कि एक किसान आंदोलन के जरिए अपनी बात जो है वो सामने रख रहे हैं, तो उसी तरीके से कल यहाँ पर सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर बात जो है रखी जाएगी। तो भाजपा कार्यकर्ताओं का यही कहना था कि उस पर भी किसी तरीके का विघ्न जो है नहीं डलना चाहिए। हालांकि फिलहाल आप लोग कैमला गांव से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर कल किसान महापंचायत इसी जगह पर होने वाली है, जिसकी तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां यहां पर शुरू हो चुकी है। गांव के लोग जो है वो, जैसा कि हमें विधायक ने भी बताया कि गांव के लोग उत्सुक जरूर है, क्योंकि कल भी जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था, कैमला गांव के कई लोग ऐसे थे, कई किसान ऐसे थे, कई युवा ऐसे थे जो कि जोरों शोरों से यही चाह रहे थे कि ये जो किसान महापंचायत है वो हो, और उनका यही कहना था कि ये किसी भी हाल में होगी। हालांकि फिलहाल सुबह की तस्वीरें जब हम लोगों ने देखी तो वो कुछ अलग तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर तैयारियां जो चल रही हैं उसकी तस्वीरें हम लोग आपको लगातार दिखा रहे हैं। हेलीपैड की तस्वीरें भी हम लोग आपको आगे दिखाएंगे, तो आप लोगों से अपील यही रहेगी कि आगे की तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप इस समय देख सकते हैं ये हेलीपैड की तस्वीरें, जहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा है, जहां पर कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं यहां पर पहुंचने वाले हैं, और यहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद इसी रास्ते से वो अंदर की तरफ जाएंगे, जहां की हम लोगों ने आपको तस्वीरें दिखाई, यानी कि कैमला गाँव में किसान महापंचायत जो कि कल यानी कि 10 जनवरी को होने वाली है, उसकी पूरे तरीके से तैयारियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कार्य यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके अलावा हम बैरिगेडिंग की बात करें तो इस में आप लोग देख सकते हैं कई मीटर तक जो है बैरिगेट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जो बैम्बू स्टिक्स हैं उसके थ्रू बंद जो है रास्ता किया जा रहा है, ताकि किसान अगर खेतों के रास्ते से आने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें वहाँ पर रोका जा सके। पुलिस दल बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो कमेटी बनाई गई है कैमला गाँव की वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में सारा कार्य जो है यहाँ पर किया जा रहा है। इस समय हेलीपैड जो कि यहाँ पर तैयार किया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता
बताना चाहूंगी 10 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं करनाल के घरोंडा के कैमला गांव में, जहां पर किसान महापंचायत जो है वो प्रोग्राम रखा गया है। हालांकि किसान इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, वही कैमला गांव के लोग हों, भाजपा कार्यकर्ता हों, वे पूरे तरीके से जो है इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर कर दी गई है, ताकि खेतों के रास्ते से भी किसानों का आना यहाँ से मुमकिन ना हो। उसके अलावा दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि वहां पर भी जो पुलिस की टीम है वो मौके पर मौजूद है। एक बार मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, और वही हेलीपैड का जो कार्य है वो यहाँ पर लगातार जारी है। गाँव के कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, तैयारियां पूरे तरीके से की जा रही है कि कल आप उनका पूरी तरह से स्वागत करेंगे और अच्छी से, और उनका बहुत सम्मान है यहाँ हिंदुस्तान में, हमारे लिए वो लड़ रहे हैं और किसानों को बहुत अच्छी फसल का वो उतना ही दे रहे हैं जितना वो खा सके, सबका अच्छे से वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गांव के कुछ लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद थे, हालांकि हम लोगों ने आपको लगातार लाइव तस्वीरें कैमला गांव से दिखाई हैं, और आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। हेलीपैड की हम लोगों ने आपको तस्वीरें दिखाई, अंदर स्टेज हो या जो एरिया सीटिंग एरिया जो कि बनाया गया है किसानों के लिए वो हो, सभी तैयारियाँ जो है करनाल के कैमला गाँव में पूरे तरीके से की जा रही है। वही किसानों का अभी भी यही कहना है कि वे इस किसान महापंचायत को होने नहीं देंगे, लेकिन वही जो भाजपा कार्यकर्ता या कैमरा गांव के लोग हैं उनका यह कहना है कि हर हाल में ये किसान महापंचायत होकर रहेगी। अब देखना यही होगा कि कल किस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो करनाल के घरोंडा हल्के के कैमरा गांव में देखने को मिलती हैं। तो अपील आप लोगों से एक बार फिर से यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।